हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं, जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर देने की मैं कोशिश करता हूं। आपकी मेरे से शिकायत रहती है कि आप सर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं, और वो कहीं हद तक सही भी है कि मैं आपको आंसर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन उसके पीछे भी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है कि इस समय जो एडमिशन टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रह जाता है, तो इस वजह से मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, जो भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए साथियों, जो कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार एग्जाम दिए हैं फाइनल ईयर के, चाहे वो आपका सेमेस्टर मोड का कोर्सेज है चाहे वो ईयरली मोड का कोर्सेज है, तो वो अपने रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित हैं। तो उसमें बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट आ भी चुका है, लेकिन अभी जो बाकी कोर्सेज हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। उनको अपना एडमिशन लेना है, बीएड में एडमिशन लेना है, आगे एडमिशन लेना है, जॉब ज्वाइन करनी है, तो वो काफी परेशान है अपने रिजल्ट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, बीएड की काउंसलिंग शुरू होनी है 19 अक्टूबर से, तो वो काउंसलिंग तभी स्टार्ट हो पाएगी जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फाइनल ईयर का। तो इसलिए जो आपका रिजल्ट है बहुत जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा, हो सकता है आपका इसी वीक में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, जो हमारा बीए है या और जो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है, तो हो सकता है हमारा इसी वीक में रिजल्ट हमारा डिक्लेयर कर दिया जाए। यदि इस वीक में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो आपकी बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही फाइनल ईयर का डिक्लेयर होने वाला है। दूसरा, बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर, हमारा जो प्रमोट हो गए, हम एलएलबी में हैं, बीसीए में हैं, हमारा सेकंड सेमेस्टर था, हम प्रमोट हो गए हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आया है, क्या हमारे एग्जाम होंगे? अब हमें सुनने में ये आ रहा है कि हमारे एग्जाम होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आपके एग्जाम होंगे। अभी आपको प्रमोट किया गया है, आपको अभी प्रमोट किया गया है, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, उनको प्रमोट किया गया है। यदि आपके एग्जाम होते हैं तो बाद में होंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आपके एग्जाम नहीं होंगे, अभी कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो आप अपनी तैयारी में रहिए, अगला सेमेस्टर की तैयारी आप करते रहिए, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपके कॉलेजेस की, नहीं चल रही है तो आप अपना स्टडी कर सकते हैं घर पे नेक्स्ट सेमेस्टर की, लेकिन अभी कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है या फोर्थ सेमेस्टर है उसके एग्जाम कराए जाने हैं। दूसरा है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट के जिनके एग्जाम होने हैं 18 अक्टूबर से, तो उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से उनका पता हो जाएगा कि सेंटर कहां पर है और उनका जो पेपर है किस किस डेट में उनका पेपर है, एग्जाम है, तो वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारा जो बच्चे एक्स और बैक वाले हैं वो भी काफी परेशान हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, एक्स और बैक वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से संकेत दिए गए थे उनके एग्जाम कराने हैं, लेकिन वो एग्जाम अक्टूबर में होने थे, वो अभी तक नहीं हुए हैं। अब उनके पीछे क्या कंडीशन होगी अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जैसे ही कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।